कि ईवीएम हटाए जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, इस पे सरकार मौन है और इस पे बल्कि सरकार के बुरे इरादों को डिफेंड करने के लिए इलेक्शन कमीशन अपना अभियान छेड़े हुए हैं। उनको बुलाने की बजाय लोगों के सामने लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को, हाई कोर्ट के सभी जजेस को एक बाकायदा अपना ज्ञापन सौंपेंगे ताकि उनको भी पता लगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से धांधली होकर इस देश का लोकतंत्र और संविधान को खत्म किया जा रहा है। सो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, ईवीएम को तत्काल बंद किया जाए, किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी हो जाए, ये सरकार ईवीएम मशीन हटाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि झूठा माहौल देश में बना के और ईवीएम के सारे इलेक्शन जीतने की पूरी तैयारी है। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जहां एक तरफ मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर अभी मौजूद हैं और यहां पे लोग ईवीएम को लेके एक बार फिर से मुद्दा उठा रहे हैं और ईवीएम को लेके कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, एक बार फिर से उसके नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसी चीज पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा, भानु प्रताप सिंह और तमाम और भी वकील हमारे साथ मौजूद है। इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे उनसे। साथियों, आज हम यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम के मसले को लेकर उपस्थित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो आप हमारे हाथों में प्ले कार्ड देख रहे हैं, हकीकत में जो बात हम सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं वो सारी बातें हमने इन प्ले कार्ड्स पर लिखी हुई है। जैसे ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, और मेरे हाथ में जो देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है हु विल सेव द डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन बचाएगा भाई? हमारे पास जो प्ले कार्ड है बाकायदा लिखा हुआ है कि क्या जुडिशरी किसी प्रेशर में है क्या? क्योंकि जिस तरह से लगातार ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन पड़ी, अभी तक वो डिसाइड नहीं हुई और साथ में इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं है और एक और काम शुरू किया है कि जगह जगह जाके ईवीएम और वीवीपैट को दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन। और मजेदार बात कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनें किस आदेश के तहत वहां तक पहुंच रही है कुछ नहीं पता, और कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं आपको जानकर हैरत होगी कि उसे इलेक्शन कमीशन के लोग हैं वो नहीं कर रहे हैंडल, उसे कहीं जहां भी हैं कॉरपोरेशन के लोग वो उसको हैंडल कर रहे हैं, जिनके विषय में उसको कोई जानकारी नहीं है। इस तरह से हो रहा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए आज यहां पर सभी एडवोकेट इकट्ठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस गंभीरता को समझे कि अगर देश में ईवीएम से चुनाव 2024 का होता है तो देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा और साथ में जुडिशरी भी नहीं बचेगी। आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं जितना बड़ा खतरा है, अभी जो आंकड़े आए हैं निकल के इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, इनमें से विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कई कई लाख वोटों का अंतर है। राजस्थान में बताया गया 55 लाख वोटों का अंतर है, जितनी वोटें पड़ी हैं और जितनी वोटें काउंट हुई हैं। अगर ईवीएम सही है तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? और यही सारी की सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बाकायदा नरेंद्र मिश्र जी, जिन्होंने पिटीशन डाल रखी हमारे साथी, वो भी बता रहे हैं कि कितना अंतर है, बराबर आ ही नहीं रख, ये कैलकुलेशन सारी गड़बड़ हो रही है। तो इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली है और सरकार ने, इलेक्शन कमीशन की तो मैं नहीं समझता कोई हैसियत भी है, लेकिन सरकार ने दो पहलवान उतारे हैं, एक पुराने इलेक्शन कमिश्नर हैं कुरैशी साहब और एक है मिस्टर रावत, इन दोनों को मैदान में उतारा है इस सफाई देने के लिए। लेकिन सफाई नहीं, आप देश के अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को बताइए कि इसमें पारदर्शिता कैसे है,
और सब जानते हैं कि इसमें पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। पारदर्शिता केवल और केवल बैलेट पेपर में ही संभव है। सो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, ईवीएम को तत्काल बंद किया जाए, अन्यथा ये देश तबाह हो जाएगा। हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इसी सिलसिले में, तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं अपनी बात यहाँ सबके सामने रखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ में बड़े भाई महमूद पराचा जी भी हैं, एडवोकेट और पूर्व मंत्री राजनपाल गौतम जी भी हैं, मेरे साथ श्री बलराज मलिक साहब भी हैं, और मेरे साथ में भाई दीवान सिंह जी भी हैं, हमारे साथ में तनवीर भाई भी हैं, साथ में सावित्री सिंह जी एडवोकेट वो भी हैं, प्रेम प्रताप सिंह एडवोकेट वो भी हैं हमारे साथ में, हमारे साथ में भगवान सिंह जी भी पहले पीपी रहे हैं वो भी हमारे साथ में हैं, और हमारे कितने ही साथी हमारे साथ में इधर देखे हैं, साथी जो हमारे खड़े हैं सिद्धार्थ सिंह वो भी हमारे साथ में हैं, बहुत साथी हमारे साथ में हैं लगातार। और यहाँ सिर्फ खड़े होने का मतलब ये है कि यहाँ के माध्यम से बात सुप्रीम कोर्ट तक हमारी पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हमारा विनम्र निवेदन है और सभी जजेस से निवेदन है कि इस बात की गंभीरता को समझें। और इसके साथ साथ जैसे हमने पहले कहा आपको कि हम बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को, हाई कोर्ट के सभी जजेस को एक बाकायदा अपना ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि उनको भी पता लगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से धांधली होकर इस देश का लोकतंत्र और संविधान को खत्म किया जा रहा है। मैं समझता हूँ आगे हमारे साथी श्री मलिक साहब बताएं और भाई राजनपाल गौतम जी और महमूद पराचा भाई बाकी बातें वो बताएं। आज हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि 22 तारीख को देश में ढोंग की बात की बजाय ढंग की बात हो। आज ढंग की बात ये है, लोगों के मतलब की बात ये है, पूरे देश के नागरिकों की बात ये है कि ईवीएम हटाए जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। इस पे सरकार मौन है और इस पे बल्कि सरकार के बुरे इरादों को डिफेंड करने के लिए इलेक्शन कमीशन अपना अभियान छेड़े हुए हैं। वो जनता से मिलना नहीं चाहता, अपोजिशन के लीडरों से मिलना नहीं चाहता, जो लोग ईवीएम हैक करके दिखा रहे हैं उनको बुलाना नहीं चाहता, उनकी बात सुनना नहीं चाहता। यानी जो लोग विरोध कर रहे हैं जिनको ज्ञान है उनको बुलाने की बजाय लोगों के सामने लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है वो एक ही मुद्दा है, एक एक नागरिक के, एक एक मतदाता के मतदान की कीमत और उसकी ट्रांसपेरेंसी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और उसने जो अधिकार है उसके पास उसका अधिकार सही यूज हो रहा है कि नहीं, उसकी गारंटी, उसको विश्वास कराने की गारंटी संविधान की है। तो संविधान के हिसाब से काम हो, ईवीएम हटाई जाए, इस पर श्वेत पत्र भी इमीडिएटली जारी किया जाए सरकार की तरफ से, जबकि सरकार इसमें लगातार कोशिश में ये है। और अंदर खाने की रिपोर्ट ये है कि किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी हो जाए ये सरकार ईवीएम मशीन हटाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि झूठा माहौल देश में बना के और ईवीएम के सारे इलेक्शन जीतने की पूरी तैयारी है। ये पूरे देशवासियों को भी अब विश्वास हो गया, पूरा देशवासी इस बारे में जागरूक हैं। अब देश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि चाहे जो मर्जी झांसा फैलाए, झांसे में लोग फंसेंगे नहीं। और इस आंदोलन से लाखों लाखों लोगों की मिस कॉल आ रही है, पूरा देश जागरूक है, पूरा देश साथ देने के लिए तैयार है। हम इस मौके पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने और उनको यहाँ इस प्रोग्राम के बारे में हम सभी जजेस को लेटर भेज के इसके बारे में बताएंगे कि या तो आप लोग इसमें सुओ मोटो एक्शन लें, क्योंकि ये देश का मसला है, सुओ मोटो एक्शन लेने की पावर है सुप्रीम कोर्ट की, और इलेक्शन कमीशन को बुला के कितने इलेक्शन वोटिंग मशीन गायब हुई हैं, कितना धांधली है, कितना वोटों में वोट कास्ट कितनी हुई है और वोट मिली ज़्यादा हैं, ये क्या गड़बड़ है। वरना तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में अगर काउंटिंग के बारे में हमारे पास छोटा सा भी कंप्यूटर है, मोबाइल है, वो भी काउंटिंग गलत नहीं बताता, वोट डालने वाले कम और वोट बताने वाली मशीन ज़्यादा, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि मशीनों में गड़बड़ हुई है और देश के साथ धोखा हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि कृपा करके आप संविधान को बचाने का काम करें, लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने का काम करें। अगर आप लोग भी इस वक्त आँख मूंदेंगे या आँख मूंदने का प्रयास होगा या दिखाई देगा देश की जनता को, तो देश की जनता को विश्वास
सुप्रीम कोर्ट से भी कम हो जाएगा, जो कि पूरे देश के लिए घातक होगा। और देश के लोग न केवल अभी अपने इस काम के लिए आंदोलन करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देश के लोगों का नागरिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बचाने में नाकामयाब रही तो देश के लोग अपनी सुप्रीम कोर्ट को भी घेरने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उनका अधिकार है ये कि उनकी संवैधानिक संस्थाएं जिनको काम करना देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने का, अगर वो लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? शांतिपूर्वक प्रदर्शन, शांतिपूर्वक घेराव करके अपना कम से कम इजहार करेंगे कि देश के लोग किस मुद्दे के साथ है, देश के लिए अति महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है। और आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये बधाई के पात्र भी हैं कि कम से कम उन्होंने दबाव के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी नहीं की, और ये अच्छी बात की है, वरना बहुत सारे क्वेश्चन उनके खिलाफ भी लोगों के दिमाग में हैं। कम से कम इस मौके पे उन्होंने अपनी स्किन को बचाया है, इसके वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। और सुप्रीम कोर्ट में बार बार एक खबर हम पढ़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब रिजर्व या एससी समाज के 3 जज हो जाएंगे। बड़ी भारी खुशी की बात है। बड़ी भारी खुशी की बात जब होगी जब सही हिस्सेदारी 7 और 8 जज यहाँ पर समाज के होंगे, और 85% जज बहुजन समाज के सुप्रीम कोर्ट में होंगे। देश को सच्चा न्याय तभी मिल पाएगा। हर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ्यूचर में जजों का, बहुजन समाज के वकील और लोग ऐसे नहीं है कि उनको संविधान नहीं पता, उनको संविधान ज़्यादा पता है और संविधान की सुरक्षा भी उन्हीं को ज़्यादा चाहिए, इसलिए उस मानसिकता के लोग सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए। धन्यवाद साथियों। आपको ध्यान होगा हमने एक मिस कॉल का नंबर दिया था, जो मिस कॉल का नंबर था हमारा 9667222062, यानी 966-77-220-62। ये मिस कॉल का नंबर जब हमने शुरू में लिया था तो कॉल आ रही थी लगातार, लेकिन सॉफ्टवेयर उसमें नहीं था, जिसकी वजह से वो 4-5 दिन कॉल लगातार हर पलाई आप सबने देखा। पर परसों शाम को जब हमने इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह डलवा के पूरी तरह से उसको ठीक कर दिया, आपको जानकर हैरानी होगी कि कितनी कॉल तब से लेकर अब तक आई है। जब से लेकर अब तक 230,000 कॉल, 230,000 कॉल, यानी अभी उसको पूरे 48 घंटे नहीं हुए हैं, तकरीबन 45 घंटे में, 44-45 घंटे में 230,000 कॉल्स उस पर आ चुकी हैं, और ये डाटा लगातार बढ़ेगा, मुझे विश्वास है। जैसे मैंने कहा कि ये करोड़ों में पार जाएगा, और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकायदा दिखाएंगे, डाटा लेकर दिखाएंगे कि इस देश के इतने लोग नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिन साथियों ने पहले फ़ोन किए थे, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर अब वो दोबारा फ़ोन करें ताकि उनका कॉल भी इस डाटा में आ जाए, रिकॉर्ड हो जाए। इतना ही मेरा निवेदन है। और इस कॉल का नंबर लगातार अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को, समाज के लोगों को, पड़ोसियों को, जहां तक भी पहुंचा सकते हैं इस नंबर को पहुंचाएं, और सबसे कहें कि लगातार इस पर कॉल करें। ईवीएम को हटाने के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत जनता की हमारे पास में है, तो इसको अधिक से अधिक लोग कॉल करें इस नंबर पर। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना कि भानु प्रताप सिंह जी खुद बता रहे हैं कि जो उन्होंने नंबर जारी करा था उसको लेके 2 लाख से भी ज़्यादा मिस कॉल उस पर आ रही है। मतलब आप सोचिए कि जनता नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो, लेकिन फिर भी सरकार का कुछ रुख बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वो साथ ही साथ उस पर जवाब ही नहीं देना चाह रही है ईवीएम को लेके, कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएगी कि ईवीएम से चुनाव कराएगी। अब देखने ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें आपको नजर आई थी कि ईवीएम को लेके चीजें जारी हैं अभी भी, लेकिन सरकार इस पर सोच विचार करने पर नजर नहीं आ रही है। और 2 लाख से ज्यादा मिस कॉल कम नहीं होते, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि ईवीएम से चुनाव, क्योंकि ईवीएम में धांधली साफ साफ नजर आ रही है। इसमें आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।